लास्ट टॉपिक जैसे पढ़िया सीगा कार्बन्स कंपाउंड्स के बारे एस्टर्स और अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स आ हुन ए दे जिक टॉपिक करना आज दा अबाउट सोप्स एंड डिटर्जेंट्स सोप्स एंड डिटर्जेंट्स बहुत कॉमनली आजकल चल रहा है दोबारे सोप दे होते कि हाथ धोने बहुत जरूरी है इन्ने सेकंड इन्नी देर घट तो घट हाथ धो वो सफाई रखनी बहुत जरूरी है अल्कोहल देखिया कि सैनिटाइजर दे विच असीं अल्कोहल दी तरह यूज कर रहे हैं अल्कोहल नू यूज कर रहे हैं साबुन नू सोप नू असीं अजकल बहुत ज्यादा मतलब एक तरह ऐड ही कर रहे हैं या असीं यूज ले आ रहे हैं की चीज है सोप्स की चीज है ते डिटर्जेंट की चीज है केमिस्ट्री दे पॉइंट ऑफ व्यू एक्चुअली डिटर्जेंट वो चीज है वो केमिकल सब्सटेंस है जो किसी भी सरफेस नु क्लीन करे साफ करे ते जे साफ करदा है ते डिटर्जेंट दी दो वैरायटीज मिल जांदी है एक ता आ जांदा है जिनु जेड़ा सोपी टच दिंदा है थोड़ा जिहा साबुन वर्गा स्लिपरी जी नेचर दा होएगा और नु तां असीं कहांगे कि सोप जरा नहीं स्लिपरी टच देगा वो की होता है सोपलेस सोप्स तो वो की है वो असी कॉमनली कह देने डिटर्जेंट्स वैसे तो डिटर्जेंट्स असी वो सब्सटेंस है जरा कि किसी भी सरफेस को साफ करे क्लींजिंग नेचर रखे अगर जी वो सोपी टच वाला है तो वो तो सोप्स हो गए जो नहीं है तो सोपलेस सोप्स हो गए दैट इज एक्चुअली द डिटर्जेंट जो साडे वॉशिंग पाउडर्स विच जिसका सर्फ है एरियल है उन्होंने सारे विच यूज होता है तो सोप तो पता ही है जो कपड़े धोने वाला भी साबुन है नहाने वाला भी साबुन है लक्स हो गया डव हो गया सिंथॉल हो गया किन्ने तरह के सोप्स है तो वह सोप असं ज्यादातर इन यूज करते हैं फॉर लॉन्ड्री परपजेज एंड फॉर बेदिंग परपजेज नहाने तो सारे चीजा ले लेकिन थोड़ा जहा हार्ड फॉर्म के अगर यूज करते हैं ज्यादा क्लिनजिंग स्ट्रोंग लैंड तो असं डिटर्जेंट्स सोपलेस सोप्स के करते हैं बाद पढ़ा गया बारे तो हम ऐसे पहले देखिए कि सोप्स की चीज है तो सोप्स की चीज है कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे पढ़े कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे दो तीन कार्बन एटम वाले ऐसे देखे ग्रुप मॉलिक्यूल्स जो दे 14-15 कार्बन एटम से ज्यादा हो जाते हैं ना ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जो ऐसे की कहते हैं फैटी एसिड्स और ये फैट्स फैटी एसिड्स आनो किधर मिल रहे हैं सानू मिलेंगे बटर च मिल्क दी मलाई होती है ओदे च मिल जाएगा मलाई कह सकते हो ऐसे तरह किसी भी फॉर्म का ऑयल वेजिटेबल ऑयल चाहे ए सरसों का तेल होए ते चाहे ए नारियल का तेल होए या ऑलिव ऑयल भी होए इन्हें सब फैटी एसिड्स तो यह मतलब कि ए वाले फैटी एसिड सानू या एनिमल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं या फिर सानू प्लांट प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं और ऑयल और क्यो देसी है दूसरा है उस सारे के विच फैटी एसिड्स ही प्रेजेंट है हुन ए फैटी एसिड्स असि यूज करते हैं सोप बनाने च तुसी सोच रहे होगे कि मैं मलाई मक्खन के चक्कर च किथे पै गई एक्चुअली ए एनिमल फैट्स या प्लांट फैट्स जिहड़े असि ऑयल्स दे फॉर्म दे विच यूज करांगे सोप बनाने लई और जिस प्रोसेस ना वैसे सोप बनाने ना लास्ट लेक्चर जैसे जैसे नेक्स्ट टॉपिक्स कराएंगे दैट इज कॉल्ड सेपोनिफिकेशन सेपोनिफिकेशन की चीज है प्रोसेस है बाय विच अ हायर फैटी एसिड कोई भी फैटी एसिड ले लो तुसी और उनो किसी अल्कली दे नाल अल्कली मींस वाटर सॉल्युबल बेस ऑल अल्कलीज आर नॉट ठीक है ना ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो अल्कलीज हो गए असि मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लेके अल्कली फॉर्म असि हीट करांगे फैटी एसिड नो और मतलब चाहे पानी डिजोल्व करके डिजोल्व तो होना ही नहीं है फैट्स है और अल्कली हीट किया जो कंबाइन करके तो की बनता है एक सैपरेट सोप की लेयर बन जाएगी और एक ग्लिसरॉल की लेयर बन जाएगी ये तो मैं थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे रही हूं दोनों चीजों का तो एक्चुअल प्रोसेस विच की होता है कि तुसी कोई बीकर अगर जे ले लो
ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਤਾ ਮਿਕਸਚਰ ਪਾਤਾ ਕਿਸੇ ਆਇਲ ਦਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵਾਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਇਲ ਔਰ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਇਲ ਔਰ ਵਾਟਰ ਆਪਸ ਮਿਕਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੋਥ ਆਰ ਇਮਿਸਿਬਲ ਲਿਕੁਇਡਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚ ਐਲਕਲੀ ਐਡ ਕਰਤਾ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸਾਈਡ ਜਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸਾਈਡ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਲੇਅਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੇਅਰਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੇਅਰ ਹਾਰਡਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਈ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਸਟ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਈਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਾਈਨ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਔਰ ਨਮਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡੀਕੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਹਾਰਡ ਵਾਲੀ ਔਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਲਿਕੁਇਡ ਜੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹਾਰਡ ਲੇਅਰ ਹੈ ਨਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੋਪ ਉਹ ਸੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਲਡਸ ਵਿੱਚ ਮੋਲਡ ਵਿੱਚ ਸਾਂਚੇ ਕਿਸੇ ਜਿਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਸੈਮੀ ਸੋਲਿਡ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਕੋਈ ਕਲਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਮੈਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਰੱਖੋਗੇ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦਾ ਸੋਪ ਕੇਕਸ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਤਾ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਪਸ ਹੈ ਨਾਨ ਵਾਲਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਕੱਪੜੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਕਲੀ ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸਾਈਡ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥਡ ਉਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਪੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੋਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹਾਇਰ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਰਬਨ 15 ਆਨਵਰਡਸ ਜਦੋਂ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਦੇ ਆਰ ਕਾਲਡ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਹੁਣ ਮੋਲੈਕੂਲਰ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈ ਸਟੀਅਰਿਕ ਐਸਿਡ ਸਟੀਅਰਿਕ ਐਸਿਡ ਚ ਕੀ ਹੈ C17 ਮਤਲਬ 17 ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਦੇ 17 ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਚੁਰੇਟਿਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2N+2 ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਰੀਕਾਲ ਕਰੋ 17 2 = 34 ਦੋ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 36 ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਤਾ COOH ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਟੀਅਰਿਕ ਐਸਿਡ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਮੇਟਿਕ ਐਸਿਡ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਮ ਆਇਲ ਵਗੈਰਾ ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ C15 ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ C15 32 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਐਟੂ ਐਡ ਲਗੇ ਫਿਰ 31 COOH ਤੇ ਇਹ ਆਇਲਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਾਇਰ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਆ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲਿਡ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਐਸਟਰਸ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਐਸਟਰਸ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਐਸਟਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕੁਝ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ C17H35COOCH2CH ਦੇਖੋ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀਸ 4 ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਔਰ ਐਲਕਲੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਸੋਡੀਅਮ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ C17H35COO ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਸਾਲਟ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਬਣ ਗਏ 1 2 3 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ 3 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਸੋਪ ਦੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸਿਲ ਗਰੁੱਪ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ CH2CHOH CH2OH ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਲਕੋਹਲ ਤਾਂ ਇਹ 3 ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ ਲੱਗੇ ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗਲਿਸਰੋਲ ਗਲਿਸਰੀਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਗਲਿਸਰੀਨ ਲਗਾ ਲਏ ਗਲਿਸਰੀਨ ਕਈ ਮੂੰਹ ਚ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਉਹ ਗਲਿਸਰੀਨ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਿਸਰੀਨ ਸੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਿਸਰੀਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਸੋਪ ਗਲਿਸਰੀਨ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਪੀਅਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਸੈਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋਪ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਗਲਿਸਰੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਟਾਈਪ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 3 ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ
और एक ग्लिसरॉल बन गया, सो बन गया। हम एक पोर्शन हार्ड लेयर मिल जाएगी थानू, क्योंकि ब्राइन सॉल्यूशन जो पाया था बीकर दे विच अगर रखा है तो ऊपरला पोर्शन जो थोड़ी क्रस्टी जी जो बन गई वो बन गया सो। नीचे का पोर्शन जो डिकैंट करके निकालोगे तो की बन जाएगा, ग्लिसरॉल दे तरह यूज करेंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर सो बाय द प्रोसेस ऑफ सैपोनिफिकेशन। तो सैपोनिफिकेशन की हुई, एल्कली यूज किया, एल्कली नो असी फैटी एसिड के नाल मिक्स करके हीट किया, हीट करके सोप और ग्लिसरॉल नो असी सेपरेट कर लिया। सो सैपोनिफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स विद एन अल्कली टू गेट सोप एंड ग्लिसरॉल। तो ए हो गया हाउ टू गेट द सोप। हम देखा जाए तो सोप के मॉलिक्यूल के दो पार्ट हो गए, एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर स्टडी करिए कि किस तरह क्लीन कर सकता है एक सोप, तो दो पार्ट केड़े बने, एक तो हाइड्रोकार्बन पार्ट हो गया C17 अगर असी मॉलिक्यूल का एक एग्जांपल ले लिए 35, और एक पार्ट हो गया CO जिधर ते मैं माइनस का साइन लगाया और एक दर सोडियम जिधर ते पॉजिटिव साइन लगाया। इधर मतलब दो पार्ट केड़े हो गए, हाइड्रोकार्बन पार्ट एंड आयोनिक पार्ट। हाइड्रोकार्बन पार्ट एंड आयोनिक पार्ट, आयन्स एलएच पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्योंकि सोडियम इतना स्ट्रांग एलिमेंट है, रिएक्टिव है कि वो ऑक्सीजन दे मतलब अपना इलेक्ट्रॉन उधर देके वो नेगेटिव आयन और सोडियम आयन बल्क कर सकता है, क्योंकि वाटर के नीचे हाइड्रोलिसिस हो गई थी और एक आयनिक पार्ट हो गया एक हाइड्रोकार्बन। तुम्हें सुना है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जो जिस तरह होता है डिजॉल्व होता है। हम जो हाइड्रोकार्बन वगैरह वाले ऑर्गेनिक नेचर के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स से ही डिजॉल्व होते हैं और आयनिक पानी आराम ना डिजॉल्व होते हैं, क्योंकि आयनिक नेचर के हैं तो आयन्स उधर बन जाते हैं और लाइक डिजॉल्व लाइक करके। तो एक पोर्शन जड़ा हो गया, अगर असि दिखाना हो तो असि टैडपोल एक स्ट्रक्चर दिखा सकते, फ्रॉग का बच्चा जिन्होंने कहते हैं टैडपोल। तो हाइड्रोकार्बन पार्ट में असि इस तरह शो कर सकते हैं और एक ए हेड जिहड़ा आ गया और एक नाल छोटी जी डॉट लगा सकते हैं। हम डॉट की रिप्रेजेंट करता है सोडियम पार्टिकल आयन और एक पोर्शन की शो करता है COO नेगेटिव देना और एक पूरा पोर्शन की शो करता है हाइड्रोकार्बन पार्ट। इज दैट क्लियर? तो अगर असि एदी क्लिनजिंग एक्शन उसे स्टडी करना है तो वो तो पहले सानू पता होना चाहिए कि सोप मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर इन विच द टेल रिप्रेजेंट्स द हाइड्रोकार्बन पोर्शन एंड द हेड शोज अ COO नेगेटिव और डॉट छोटा जो दिखाया बिकॉज ऑफ द सोडियम आयन टू रिप्रेजेंट द सोडियम आयन। हुन ए हाइड्रोकार्बन पार्ट की होया हाइड्रोफोबिक नेचर है। तुम पता जिथे भी वर्ड हाइड्रो आ जाए तो कि रिलेटेड है पानी ना, तो फोबिक मीन्स फोबिया, उन्होंने पानी तो डर लगता है, पानी के नेड़े नहीं जाएगा। हुन ए आयनिक पार्ट है तो मैं क्या सीखा कि इट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर, इट मीन्स इट इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर अट्रैक्टिंग है, ए वाटर रिपेलिंग होया तो ए वाटर अट्रैक्टिंग, ए पानी नु स्नेह करता है और ए पानी तो दूर रहता है। तो ए फर्क है। तो एक मॉलिक्यूल अगर तुसी स्टडी करो एक सोप दा, अगर उन्हें रिप्रेजेंट करिए इन द फॉर्म ऑफ टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर, तो डिटेल है की रिप्रेजेंट करिए हाइड्रोकार्बन पार्ट जेडी की हाइड्रोफोबिक है नेचर, पानी तो दूर रहती है, और आयनिक पार्ट हेड ऑफ द पोर्शन शो करता है वो हाइड्रोफिलिक है, पानी के नाल वो अट्रैक्ट हो जाता है। सो इट अट्रैक्ट्स वाटर, इट रिपेल्स वाटर। इतों तक क्लियर हो गया। हम जो तो भी किसी चीज को वॉश करना है या साफ करना है साबुन के नाल, तुसी भी देखा होगा कि असि सुके हाथ से ड्राई हैंड्स उत्ते या कोई ड्राई कपड़े उत्ते साबुन नु नहीं लगा सकते, अंटिल और अनलेस अगर वो लिक्विड सोप ना हो। सोप केक दी तरह से उन्हें साफ करने लिए यूज नहीं कर सकते, तो सानू किस चीज की जरूरत है, उन्हें सोल्यूशन फॉर्म कर ली, या तो कपड़ा गिला होए या साडे हाथ गिले हो, तो या फिर चीज जो सोप है वही लिक्विड फॉर्म चले।
जो असि पानी अप्लाई कर देने हैं तो जेड़े वो हाइड्रोकार्बन पार्ट हाइड्रोफोबिक नेचर का है वो की होगा और वो पानी ना नहीं अटैच होगा। तुम पता है कि जेड़ी डर्ट है या कोई मैल है या कोई चीज गंदी है वो की है ऑर्गेनिक नेचर की होगी। कोई सब्जी का दाग लग गया क्योंकि वो वगैरह लग गया क्योंकि अगर जब डस्ट डुस्ट भी होगा ना कपड़ा झाड़ा तो साफ हो जाएगा। मेन तो प्रॉब्लम है कि पसीने वगैरह के दाग या किसी चीज का दाग लगे उन्होंने किसा हटाना है वो ऑर्गेनिक नेचर है। वो जो ऑर्गेनिक नेचर है तो यदा मतलब ऑर्गेनिक वाला ही पोर्शन अटैच करेगा। तो सब तो पहले सोप मॉलिक्यूल्स ने की करना है उन्हें सारे ब्रेक डाउन कर देना है। जिन्हें भी डर्ट मॉलिक्यूल है ना मैल है ना उन्होंने छोटे छोटे पार्ट डिवाइड कर देना है। सपोज कर एक छोटा जहा पार्ट इमल्सीफाई होकर यह रह गया डर्ट का। हूँ डर्ट है यह ऑर्गेनिक नेचर की है। हम सोप के मॉलिक्यूल्स की कर रहे हैं कि इन्हें अटैच कर लेते हैं थ्रू इट्स टेल पोर्शन। लाइट डिसॉल्व्स लाइट के रूल थे। हम इन्हें जो अटैच किया हाइड्रोकार्बन पार्ट के नाल की लगा हुआ है CO और NaBH नाल हर मॉलिक्यूल के नाल कोशिश करिए बहुत इजी तरीके ना समझावा तुहानू इस समय और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बड़ा इहदे ते आ सकदा कुछ भी पेपर च। सब तो पहले ने एज इमल्सीफाई करता डर्ट को छोटे छोटे पार्ट्स डिवाइड करता और डर्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स या पार्ट्स जेडे आ ओ किन्ने सराउंड कर ले हाइड्रोकार्बन पोर्शन ने दैट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर क्योंकि ओ पानी नाल नहीं कंबाइन हो रहे ओ किहदे नाल कंबाइन होंगे डर्ट नाल हो जाएंगे ऑर्गेनिक नेचर वाले ना। हुण ए CO NA वाला पोर्शन जिहड़ा है और आयनिक है इहदे आसपास की है सारा पानी और सोल्यूशन जिहड़ा असीं गिल्ला कीता सरफेस जिहड़ा गिल्ला कीता और उहदे ते असीं साबण अप्लाई कीता उहदे च इस तरह के किन्ने सारे स्ट्रक्चर बन जांदे और इस टाइप दे स्ट्रक्चर नूं की कहिंदे मिसेस और इही मिसेस जो है साफ करन दे क्लिनजिंग दे काम दे काम आंदा है कि जदों छोटे छोटे डर्ट पार्टिकल सराउंड कर लैणगे बाय द सोप मॉलिक्यूल्स किस फॉर्म स्फेरिकल फॉर्म बाय दिस मैनर कि हाइड्रोकार्बन पोर्शन डर्ट नु कंबाइन किया हुआ है और आयनिक पोर्शन ने किन सराउंड किया है पानी। हुण उस तो बाद असीं की करते हैं जो बहुत सारे बन जाते हैं मिसेस असीं कई बार देखा कि ईजी वेयर च कई ऐसे डिटर्जेंट या ऐसे सोप्स है जिन्हें असीं कपड़ा सिर्फ डिप करते हैं और थोड़ा जहा हिलाने उस तो बाद उसकी साफ हो जाती है तो कई बार असीं रब भी करते हैं लेकिन मेन मकसद की है सानू रब करने के बाद जो रिंस करना है रिंस मतलब कि पानी नो निकालना है और पानी जो निकलेगा असि तो वाटर रिंस कर रहे हैं चीज नो सरफेस नो तो वाटर के नाल की चीज निकल जाएगी आयनिक पोर्शन निकल जाएगा बाहर। हुण आयनिक पोर्शन किहदे नाल अटैच है हाइड्रोकार्बन टेल दे नाल टेल ऑटोमेटिकली निकल आउ टेल किनो नाल लेके आ जाएगी डर्ट और सारे मिसल्स जो असि रिमूव करते हैं रिंसिंग के दौरान सारे वाटर मॉलिक्यूल्स के नाल हाइड्रोकार्बन पोर्शन के नाल ही डर्ट भी निकल जाती है। दिस इज हाउ अ सरफेस और अ क्लॉथ और अ थिंग गेट्स क्लीन किस तरह कि हाइड्रोकार्बन मतलब सोप मॉलिक्यूल्स ने पहले उन्होंने सारा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता डर्ट मॉलिक्यूल्स को फिर उन्होंने सराउंड कर लिया थ्रू इट्स हाइड्रोकार्बन पोर्शन। हाइड्रोकार्बन पोर्शन जो इतना स्ट्रक्चर है वाला स्फेरिकल फॉर्म से बन गए मिसल्स कितने सारे बन गए फिर असि तो रिंसिंग करते हैं पानी निकालते हैं पानी के नाल ही आयनिक पोर्शन के नाल ही हाइड्रोकार्बन पोर्शन एंड अलोंग विद दैट डर्ट कम्स आउट एंड वो चीज जड़ी है वो साफ हो जाती है क्लीन हो जाती है। दिस इज अबाउट द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो सब तो पहले क्लींजिंग एक्शन लिए याद रखना है कि सोप का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर की है दो पार्ट से डिवाइड कर सकते हैं एक हाइड्रोकार्बन पोर्शन एक आयनिक पोर्शन। हाइड्रोकार्बन पोर्शन जो है वो हाइड्रोफोबिक है नेचर वाटर रिपेलिंग है पानी तो दूर रहता है और आयनिक पोर्शन जिहड़ा COONA वाला पोर्शन है वो हाइड्रोफिलिक है वाटर अट्रैक्ट करता है। जो असं अप्लाई करते किसी सरफेस से गिला करने के बाद तो की होंगे कि डर्ट मॉलिक्यूल नो सराउंड कर लेते हाइड्रोकार्बन पोर्शन हाइड्रोकार्बन और आयनिक पोर्शन सराउंडेड बाय द वाटर और जब रिंसिंग करनी है सी पानी कटना है तो वाटर रिमूव्स करते हैं सी रिमूव करने के बाद की होंगे कि नाल ही है पूरा सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अलोंग विद द डर्ट गेट्स रिमूव तो वो चीज जड़ी है वो सरफेस जड़ा है इस तरह साफ हो जाता है।
तो मेन एयर द क्लीनिंग एक्शन का प्रिंसिपल कि कैसे जो प्रोसेस है जो चलता है फॉर क्लीनिंग अ सरफेस। बच्चे तुम्हें कई बार देखा होगा कि कई बार साबुन एक जगह से तक कई पानी के स्टक बना देता है, लैदर या फोम तुम कह सकते हो वह बन जाती है, और कई बार उससे किसी और जगह से जाइए या ये सोप में यूज करते हैं तो उस जगह से वो झग नहीं बनाएगा, लैदर नहीं बनाता, मतलब ऐसा लगता कि उतर ही नहीं गया बॉडी तो या कपड़े से चिपकिया रह गया साबुन। ये की रीजन है पिछे, ये एक्चुअली कसूर साबुन का नहीं होया, एक कसूर होया पानी का। तो पता कि पानी भी दो तरह के हो सकते हैं, कई जगह का सू पानी बड़ा खारा लगता है तो पानी का अपना तो कोई टेस्ट नहीं होता, टेस्टलैस है, ओडरलैस है, कलरलैस है पानी प्योर वाटर फॉर्म के, लेकिन सानू फिर भी लगता है कि उबलिया पानी सानू टेस्टी नहीं लगता, लेकिन टैप वाटर भी असं पी लिया तो सानू अच्छा लगता है। आर ओ का पानी थोड़ा जहा अलग फॉर्म के लगता है, अभी असं जो किसी दिल्ली तो होकर चले आइए तो वह पानी का टेस्ट बदल जाता है, अमृतसर का पानी सानू बहुत मिठा लगता है। ये रीजन की है, टेस्ट फिर क्यों आता है, ये एक्चुअली पानी के टेस्ट जरा है दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स, कुछ मिनरल जितों जो पानी आ रहा है वो अपने नाल और पहाड़ा तो या चट्टाना तो कुछ मिनरल्स अपने नाल डिजॉल्व करता जा रहा है जिदे करके इहदे विच टेस्ट हो जाता है। हुण साबुन दे जिदे च झग बनी या जिदे च नहीं झग बनी वो दो कारण करके होंदा है कि या तो पानी हार्ड है ते या सॉफ्ट है, जिदे च तां झग बन गई लैदर बन गया फोम बन गई वो दा पानी हो गया सॉफ्ट, soft water and hard water, it means we can classify or divide water into categories, hard water and soft water, ye category kyun depend matlab do parts kar sakte because of the presence of minerals, to soft water o hoya jide ch leather ya foam ban jandi hai sabun de naal, aur jide ch nahi bandi that is called hard water। देखा भी होगा कि असं पानी जरा गर्म कर लिए कपड़े धो ले या सर्दियों अजकल वॉशिंग मशीन के आ गए ऑप्शन कि हार्ड हॉट वाटर यूज कर सकते हो तो क्लीनिंग ज्यादा अच्छी हो जाती है, क्यों, क्योंकि जोड़ा मिनरल है वह हार्ड वाटर सॉफ्ट कन्वर्ट कर देता है। हम हार्ड वाटर क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट्स मतलब बायकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स और सल्फेट्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, क्लोराइड, सल्फेट, मतलब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाए या कैल्शियम क्लोराइड हो जाए या कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट, एक या तो ज्यादा अगर मिनरल्स उस पानी है तो वो पानी झग नहीं बनाएगा, लैदर नहीं बनाएगा साबुन, और उस पानी को अस की कहेंगे हार्ड वाटर, लेकिन जिन्हें जो मिनरल नहीं है वो वाटर हो गया सॉफ्ट, जिहड़ा कि सानू रेन वाटर दे असी भी रेन वाटर ही है वो, मतलब जिहड़ा बारिश का पानी है वह भी सॉफ्ट वाटर गिना जाता है। इस तरह घर के भी असं जरा आर ओ वगैरह का या असं यूज कर लें या डिस्टिल्ड वाटर असं जो यूज करते हैं बैटरी वगैरह च पाने भी वह भी की है सॉफ्ट वाटर है। कई बार कार्बोनेट्स भी प्रेजेंट होंगे पानी के, कई बार तुम घर यूज किया पानी को गर्म करते हो तो पानी के उत्ते क्लीयर जी वाइट जी बन जाती है, अगर तो सिंपल वो कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह की लेयर उसके अंदर है तो असं गर्म करके पानी को हार्ड तो सॉफ्ट कर सकते हैं ईजीली है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट हीट होकर डिकम्पोज हो जाएगा और उस चीज़ को सॉफ्ट कर देगा। लेकिन हार्ड वाटर के क्यों साबुन नहीं यूज कर सकते ज्यादा, क्योंकि जो साबुन का जो सोडियम पोर्शन है ना जो असं अपलाई करा तो जगह से कैल्शियम या मैगनीशियम का सॉल्ट बन जाता है, और कैल्शियम मैगनीशियम साइज भी थोड़ा व्डा हैवी सॉल्ट से बन गए और की करता है कि वह पानी चो डिजॉल्व नहीं होता और रिंसिंग के टाइम से निकल आती है, और सानू लगता कि स्टम की फॉर्म ए उस सरफेस के उत्ते या उस कपड़े के उत्ते डिपोजिट ही हो जा रहा है, चिपकी ही रहा है, तो इसलिए वह निकल नहीं रहा स्टम की फॉर्म से, क्योंकि वह सोलेबल सॉल्ट ना बना के इनसोलेबल सॉल्ट बन जाता है विद कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो इस करके सोप कैन नॉट बी ईजीली यूज इन हार्ड वाटर, या तो फिर पानी अच्छी तरह गर्म होए फिर थोड़ा बहुत अपलाई कर सकते हैं, ठंडे पानी से भी यूज नहीं कर सकते, तो यह एक वाला थोड़ा ड्रॉबैक है सोप का,
और तुम समझ में कि सोप जो तो सी बना रहे हैं जो तो सी तुम कैसी हायर फैटी एसिड्स ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स और प्लांट मतलब सी खान वाले चीज लो सी सोप बना ची यूज कर रहे हैं खान वाला तेल सरसों का तेल ऑलिव ऑयल या फिर तो सी करो चाहे नारियल का तेल है या फिर ऐसे मलाई मक्खन तो वे कैसे बनाई है तो मतलब ह्यूमन कंजम्पशन ही जड़ी चीज यूज कर रहे हैं सिर्फ सोप बनाने के लिए यूज कर रहे हैं तो फिर एक मतलब नुकसान और हो गया लेकिन अगर नुकसान के नाल उधर फायदा किया है क्योंकि वो सोप जड़ा ऑर्गेनिक है नेचर इसलिए बायोडिग्रेडेबल भी है और पोल्यूशन नहीं क्रिएट करेगा जो पानी के करते हैं नालियां तो जो नदियां भी चला गया या कितने चला गया तो उन्हें पोल्यूशन नहीं करना बिकॉज बायोडिग्रेडेबल है और सोप मॉलिक्यूल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज कर देंगे लेकिन डिसएडवांटेज की है मेनली हार्ड वाटर तो हार्ड वाटर इस चीज को रोक ली कि एक ओवरकम कर ली असी चीज होर यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ सोप वी कैन यूज सिंथेटिक या जिहड़ा दस्सिया सी सोपलेस सोप जिन्हों असी डिटर्जेंट्स ही कह देने हैं जनरल तो डिटर्जेंट जेड़े है वो सोप तो थोड़े जे फर्क है एक तो स्ट्रॉन्ग इन एक्शन होंगे है एज कंपेयर टू सोप सोप जेड़े है वो वीक रह जाते हैं क्लिनजिंग दे विच तो ज्यादा मैल है या कुछ असी घर दे विच असी देखदे कि कपड़े नु डिप करदे या वॉशिंग मशीन च सोप दी जगह ते असी सर्फ यूज कर रहे हैं कोई एरियल यूज करेगा कोई टाइड यूज करदा है डिफरेंट टाइप ऑफ डिटर्जेंट्स है वॉशिंग पाउडर एक्चुअली ओदे च डिफरेंट टाइप ऑफ डिटर्जेंट्स ऐड होके ब्रांड दे नाम देते ਉਹ ਯੂਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਇਨ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਉਹਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਚ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਬਚ ਗਿਆ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿਊਮਨ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਇਨ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ वेस्ट तो पेट्रोलियम वेस्ट प्रोडक्ट्स तो यू बना लिया असी और ये हार्ड वाटर से बहुत इजीली यूज हो सकता है तो ये तो डिफरेंस हो गया एडवांटेजेस ओवर द सोप लेकिन ये देख डिसएडवांटेज ये है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है मतलब कि ये पोल्यूशन कर सकता है नॉन बायोडिग्रेडेबल ਇਹ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਡਰੇਨਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਰਿਵਰਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗਾ ਵਾਟਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਲੀਨੀਅਰ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਟੂ ਓਵਰਕਮ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੀਨੀਅਰ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਨਾ ਹੋਏ ਸਿੱਧਿਆ ਵਾਲਾ ਚੇਨ ਅਗਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹਦਾ ਹਾਂਜੀ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਔਰ ਸੋਪ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੋਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਗਰੁੱਪ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ 12 ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਲੱਗ ਸਕੇ ਲੱਗੇ ਜਿਸਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਹੈ CH2 11 ਔਰ ਇੱਕ CH3 ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਵੀ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿੰਗ ਨੂੰ C6H6 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ COO ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾ ਤਾਂ ਸਲਫੋਨੇਟ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ SO3 ਔਰ Na ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਸਾਲਟ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ या फिर ये बेंजीन रिंग के नाल SO4 सल्फेट ग्रुप लग गया इस तरह तो ओदे च की लगाया सी असीं कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप CO वाला ये सल्फोनेट सल्फेट ग्रुप लगदा है तो इस करके दा स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया क्योंकि दा सोर्स भी डिफरेंट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तो है लेकिन इना द क्लींजिंग एक्शन ऑलमोस्ट सेम ही है जो सोप के विच कीता बिकॉज दिस मच पोर्शन इज हाइड्रोकार्बन पार्ट दैट विल बी हाइड्रोफोबिक एंड दिस मच इज आयनिक पार्ट अगेन हाइड्रोफिलिक इन नेचर तो उससे तरह ही ये मिसल्स भी बनाएंगे उससे तरह ही ये रिएक्ट करेगा और ये किसी चीज को साफ कर देगा फर्क किधर जाया सिर्फ अगर देखा जाए तो सोप
और डिटर्जेंट्स अगर फर्क देखा जाए तो एक तो स्ट्रक्चर वाइज आ गया फर्क, ओदिच की है COONA ग्रुप लगे सी हाइड्रोकार्बन, एदिच की है बेंजीन रिंग भी लगी और हाइड्रोकार्बन प्लस बेंजीन प्लस SO3NA वगैरह लग गया एदिच। एदा सोर्स की सीगा वेजिटेबल ऑयल और फैट्स एनिमल फैट्स वगैरह, एदिच वेस्ट ऑफ पेट्रोलियम आफ्टर रिफाइनिंग जो बच जाते वेस्ट प्रोडक्ट्स वो वाला यूज किया है एज अ सोर्स। फिर ये कह सकते हो उस करके की है कि वीक इन एक्शन है, उस तो पहले देख लें कि कैन वर्क प्रॉपरली इन सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर च नहीं इतना ज्यादा करता, ये दोनों च कर जाता है। और ये वीक इन एक्शन है क्लिनजिंग एक्शन, ये स्ट्रॉन्ग है लेकिन एदा की है फर्क बायोडिग्रेडेबल है तो इको फ्रेंडली हो गया। नॉन बायोडिग्रेडेबल इको फ्रेंडली नहीं होता, ये ना डिफरेंसेस है लेकिन असि इन्हों इको फ्रेंडली भी बना सकते हैं इफ वी यूज लीनियर हाइड्रोकार्बन इंस्टेड ऑफ ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन लाइक दिस लीनियर कैन बी यूज्ड। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सोप्स एंड डिटर्जेंट, किस तरह बनाया और क्लिनजिंग एक्शन की है, सोर्सेज की है, सेपोनिफिकेशन की है और डिफरेंसेस की है, इस चीज पढ़िया। थैंक यू।